नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज वर्ल्ड इंडिया में। इस वक्त की बड़ी खबर लेकर हाजिर हूं मैं प्रद्युम्न शर्मा। इस वक्त की बड़ी खबर एलएसी से सामने आ रही है, जहां पर एलएसी पर एक बार फिर झड़प हो गई है। हालांकि भारतीय सेना ने इसका मुंह तोड़ जवाब दिया है, जिसमें चीनी सेना के 20 सैनिक बुरी तरीके से जख्मी हो गए हैं। दरअसल पूर्वी लद्दाख में झड़प उस वक्त देखने को मिली जब चीनी सैनिकों ने एलएसी की यथास्थिति को बदलने का प्रयास किया था। इसी दौरान कुछ चीनी सैनिक भारतीय क्षेत्र में घुसपैठ की कोशिश कर रहे थे। इस दौरान भारतीय सैनिकों ने चीनी सैनिकों को रोक लिया और दोनों देशों के सैनिक आपस में भिड़ गए, जिसमें 4 भारतीय और 20 चीनी जवान गंभीर रूप से घायल। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, एलएसी पर फिर से झड़प हुई है और उसके बाद भारत ने मुंह तोड़ जवाब दिया है। घुसपैठ करने आए थे 20 चीनी सैनिक, जो बुरी तरीके से जख्मी हो गए हैं। कुछ सैनिक भारतीय क्षेत्र में बढ़ने की कोशिश कर रहे थे, जिसके बाद भारतीय सेना ने उनको मुंह तोड़ जवाब दिया है। चीनी सेना ने एलएसी की यथास्थिति को बदलने की कोशिश की थी, जिसके बाद भारतीय सैनिकों ने चीनी सैनिकों को रोक लिया और खदेड़ दिया है वहां से। ऐसे में इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है एलएसी से, जहां पर भारत सेना और चीन सेना के बीच में झड़प हुई है। चीन सेना के 20 सैनिक गंभीर रूप से जख्मी हो गए हैं। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आप तक न्यूज वर्ल्ड इंडिया लगातार पहुंचा रहा है, जहां पर 20 सैनिक बताए जा रहे हैं जो गंभीर रूप से जख्मी हुए हैं। फिलहाल यथास्थिति को बदलने की कोशिश कर रहे थे चीनी सैनिक, घुसपैठ करने की कोशिश कर रहे थे, जिसके बाद भारतीय सेना ने उनको मुंह तोड़ जवाब दिया है। एलएसी पर फिर से झड़प हो गई है। दरअसल 20 सैनिक बताए जा रहे हैं जो हिंदुस्तान की सीमा में घुसने का प्रवेश कर रहे थे, यथास्थिति को बदलने की कोशिश कर रहे थे, जिसके बाद भारतीय सेना ने उनको मुंह तोड़ जवाब दिया है। 4 भारतीय सेना के जवान और 20 चीनी सैनिक गंभीर रूप से इसमें जख्मी हो गए हैं। ऐसे में घुसपैठ करने की कोशिश लगातार यहां पर की जाती है चीनी सैनिकों के द्वारा, लेकिन भारतीय सेना उनको मुंह तोड़ जवाब हमेशा देती है और ऐसा एक जवाब फिर आज दिया है। एलएसी पर यह बड़ी झड़प हुई है। इस दौरान भारतीय सैनिकों ने चीनी सैनिकों को रोक दिया था और दोनों देशों के सैनिक आपस में भिड़ गए थे, जिसमें 4 भारतीय सैनिक और 20 चीनी सैनिक गंभीर रूप से घायल हुए हैं। और ऐसी ही झड़प लगातार पहले से देखने को मिल रही है, क्योंकि चीन अपनी हरकतों से यहां पर बाज नहीं आता, लगातार घुसपैठ करने की कोशिश करता है, लेकिन भारतीय सेना उसको मुंह तोड़ जवाब देती है और ऐसा एक जवाब आज फिर दे दिया, जिसमें 20 चीनी सैनिक गंभीर रूप से घायल हुए हैं। फिलहाल के लिए इतना ही, बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ। नमस्कार।